नमस्कार। सो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है जीएस मेडिकल कॉलेज, हापुड़ का तीन में से दूसरा कॉलेज, लेटेस्ट कॉलेज है ये, सबसे 2018 में खुला है और लास्ट ईयर ये परमिटेड से रिकॉग्नाइज हुआ। तो ये शब्द आप बहुत सुनोगे, परमिटेड रिकॉग्नाइज, क्योंकि अभी खुला ही 4 साल पहले था, तो उसमें पीजी नहीं है। और मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स है, अब एक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में रहता है हमेशा कि भाई पीजी चल रहा है तो अच्छा होगा, जितना पुराना है तो अच्छा होगा, और परमिटेड है तो अच्छा होगा, सॉरी रिकॉग्नाइज है तो अच्छा होगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके आधार पे पेरेंट्स अपना डिसीजन लेते हैं, और ये 3 चीज़ें तो आपको ब्रोशर में हर जगह मिली जाती हैं, हम भी बताते ही हैं। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ होता है कि हम इनसे उठ के बात करें कि ठीक है, क्या पता कोई कॉलेज नया खुला हो, जैसा हमने नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का आपने वीडियो देखा था, नोएडा में जो ग्रेटर नोएडा में जो हमारा मेडिकल कॉलेज था, क्योंकि खुला 2 साल पहले है, लेकिन बहुत अच्छा इन्फ्रा, सब कुछ बहुत अच्छा, ऑफकोर्स वहाँ पेशेंट इनफ्लो कम था। उसी तरीके से अगर मैं जीएस मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो पीजी नहीं है, परमिटेड रिकॉग्नाइज लास्ट ईयर हुआ है, लेकिन और उस कॉलेज से मेरी कोई वो नहीं है दुश्मनी, पर अगर मैं सरस्वती से कंपेयर करूँ जो वो भी हापुड़ में है, तो सरस्वती में पीजी भी है कहने को वो पुराना कॉलेज है, लेकिन इन दोनों में जो मुझे पेशेंट की क्वांटिटी के बारे में बोलूँ, इन्फ्रा की क्वालिटी के बारे में बोलूँ, देखिए इसको तो देख के लगता है कि एक मेडिकल कॉलेज है, एक मेडिकल हॉस्पिटल है, क्योंकि 5 केमिस्ट भी बाहर बैठे हुए हैं, और इस कॉलेज के अंदर पेड पार्किंग थी। पेड पार्किंग ने समटाइम में बहुत बड़ा सबूत हो जाता है, जब कॉलेज में आप एक गेट पर जाएंगे प्रॉपर एक ATM लगा हुआ है, तो ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब एक फ्लो होता है। जो मैंने कहा कई कॉलेजों में मैं गया जहाँ पर कैंटीन भी नहीं चल रही थी, पर यहाँ पर प्रॉपर कैंटीन है, प्रॉपर लोग आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि पेशेंट्स आते हैं। लोकेशन फिर से बहुत अच्छी है, बिल्कुल दिल्ली हापुड़ रोड के ऊपर है, लेकिन बाई चांस एक फाटक है, तो जब मैं उस रोड से हम इधर आए तो एक फाटक था, तो दैट मीन्स कि है रोड के ऊपर 100 मीटर अंदर है, बट बीच में एक रेलवे फाटक है, सो समटाइम्स दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो मैं गेस करता हूँ पेशेंट ज़्यादा इस तरफ से आ रहे होंगे, जो फाटक इस तरफ की लाइन है उस गाँवों से ज़्यादा आते होंगे, क्योंकि फाटक तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकता है ना अगर कोई एमरजेंसी में पेशेंट है तो। बट इसके अलावा मैं दिल से बोलूँ, सरस्वती और जीएस मेडिकल से भी मुझे अगर कंपेयर करना है, और खासकर अब जब जीएस मेडिकल कॉलेज भी रिकॉग्नाइज हो चुका है, तो क्लिनिकल पीजी हो ना हो 8-10 सीटों से फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से आई विल गिव दिस कॉलेज बेटर मार्क्स देन सरस्वती, और ओवरऑल भी मेरे को काफ़ी ठीक ठाक कॉलेज लगा, मतलब कि सिर्फ ईयर ऑफ स्टार्ट के अलावा जो माहौल था, जो पेशेंट का वो था, जो एक वाइब्रेंसी थी कैंपस में, वो काफ़ी अच्छी लगी, और इट्स अ गुड प्लेस, गुड लोकेशन फॉर एवरीबडी, सो इट कॉलेज, दिस कॉलेज कैन डेफिनेटली बी कंसिडर्ड। ठीक है जी, सो बेस्ट ऑफ लक, आपका बेस्ट विशेज फॉर योर MBBS एडमिशन और MBBS इंडिया जर्नी, और हमको आपको कंसल्टेंट रखना है तो यू नो अवर नंबर 9643362320, कॉल कीजिए और स्टार्ट कीजिए। नमस्कार।